आपको व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो फ्रोजन बैटर्ड फिश मिलती है हमारे बड़े बड़े मॉल्स में वो कैसे बनती है। आइए, हमने फिश ले ली है, तकरीबन 1.5 किलो है ये फिश, और हमने इसकी पील ऑफ कर ली है। ये देखिए, इसका स्किन हमने उतार दिया है। फिश के बैटर के लिए जो स्पाइसेस हैं उसमें हमने लिया है 1 टीस्पून, हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमारा लहसुन का पाउडर है, ये खुश्क लहसुन का पाउडर मिलता है मार्केट से, वो हमने 1 टीस्पून ले लिया है। मेथी दाना, इसको भी हमने पीस लिया है ग्राइंडर में, और ये भी 1 टीस्पून है। ये खुश्क धनिया, जो खुश्क सूखा धनिया होता है, और साजीरा, उन दोनों को बराबर मिकदार में लेके पीस लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, ये अदरक का पाउडर भी आपको पिसा हुआ मिलता है। और लास्ट में ये हमारे पास है हल्दी, ये हमने 1/2 टीस्पून ली है, ये इसलिए ली है ताकि इसे कलर बड़ा अच्छा होता है। 3 लीमू हमने लिए हैं और उनको हमने स्क्वीज करके उसका रस निकाल लिया है, और 4 टेबलस्पून हमारे पास है बेसन। सारे स्पाइसेस हम वन बाय वन अपनी फिश में ऐड कर देंगे। लेमन जूस डाल देंगे, अब इसको मिक्स करेंगे। साथ साथ हम इसमें ये भी डाल देंगे बेसन, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसके साथ लग जाए। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे। ये देखें, जरा ड्राइनेस सी फील हो रही है इसमें, ये थोड़ा सा हमारा बेसन भी खुश खुश पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये बैटर अच्छी तरह से। हमने 4 टेबलस्पून बेसन लिया था, सिर्फ इसमें से 3 टेबलस्पून तकरीबन इस्तेमाल हुआ है और ये एक्स्ट्रा है, तो इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1/2 आवर, और उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया मैरिनेटेड किए हुए फिश को, और अब हम फिश को फ्राई कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, हमारी फिश रेडी है, हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है, और उसके बाद हमने इमली के साथ इसे सर्व करेंगे, और साथ में आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ या राइस के साथ या यूनिवर्स। Bye-bye.